आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। अवैध मादक पदार्थों का कारोबार कर अपराधी अक्सर अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और फिर इसी संपत्ति के दम पर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दरअसल अपराधियों की इसी भूल को खत्म करने और अवैध कारोबारियों की कब्र तोड़ने के लिए पुलिस अब रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए मुंबई से विशेष ट्रेनर को रीवा बुलाया गया है और एनडीपीएस एक्ट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसपी आबिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष प्रशिक्षण जोन स्तरीय है, जिसमें चारों जिले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल हुए हैं। जिस दौरान ट्रेनर द्वारा सभी ऑफिसर्स को एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों की संपत्ति को राजसात करने के तरीके के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ करने के भी तरीके बताए जा रहे हैं। यह जोन स्तरीय प्रशिक्षण रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया है, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान किया गया है जस्टिफाई करने में कि जो आरोपी है उसको अगर उसने एनडीपीएस की तस्करी के बेच करके कुछ आय अर्जित की है या कोई प्रॉपर्टी अर्जित की, तो उसको हम लोग किस तरह से उसको सीज कर सकते हैं, मतलब उसको जब्त कर सकते हैं, उसको कुर्क कर सकते हैं, इस तरह के प्रावधान उसमें दिए गए हैं। लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। इस प्रक्रिया के जो इसमें एक सक्षम अधिकारी को भी डिफाइन किया गया है कि कौन सक्षम अधिकारी रहेगा जो इस तरह की कार्रवाई, जो सीजर की कार्रवाई है तो बंद करने की कार्रवाई ये करेगा। तो उसके लिए हमने जो है ऑफिस मुंबई में है, जो कि सक्षम अधिकारी का वो है ऑफिस है मुंबई में है, मुंबई से हमने सक्षम अधिकारी के कार्यालय से ट्रेनर्स को बुलवाया है और वो यहाँ पे आकर के अपना शेयर कर रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना होता है हिंदी प्लेस के पास। यानी कि जो आदमी उसको हम लोग पकड़ते हैं, अगर मान लीजिए गांजे को आप व्यापार करते हुए, तो उसके पास जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लॉकर है, इन सब के बारे में किस प्रकार से इनको हमें जाँच इनकी कैसे करनी है और इनको कैसे हमको सीज करना है और कैसे कोर्ट के सामने भेज करके इनको कोर्ट कराना है, ये पूरी ट्रेनिंग आज यहाँ पे आयोजित की गई है। बॉम्बे से ऑफिस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लोग आए हैं, कमिश्नर आए हैं, ऑफिसर आए हैं, एडिशनल कमिश्नर आए हैं,